रेस कार के इंजन की चिंघारती सी आवाज जिसकी गूंज से धरती तक हिल जाती है और शरीर में सिरहन दौड़ जाती है। कमजोर दिल वाले तो जहां सहम ही जाए, रफ्तार के इस रोमांच को अनुभव करने के लिए भी अच्छा खासा जिगर चाहिए। जहां सेकंड के 2000वें हिस्से में भी हार जीत का फैसला हो जाता हो, ऐसे मुकाबले में प्रतिद्वंदियों को धूल चटाने वाला शख्स कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता। ये बात सही साबित कर दी है शहर के एक नन्हे से होनहार ने। दुनिया भर में चर्चित रेसर माइकल शूमाकर और नारायण कार्तिकेय की फर्राटेदार दुनिया में आगरा का सितारा भी शामिल हो रहा है। जब वो फर्राटा भरने के लिए रेस ट्रैक पर उतरता है तो नजरें उसकी ओर खिंची चली जाती हैं। भारत की सीमाओं को पार कर एशियाई देशों के बीच होने वाले रफ्तार के रोमांचक मुकाबले में अब तक के इतिहास में उत्तर भारत का ये पहला बंदा है जिसने 87 उम्र में इतनी शोहरत हासिल कर ली है। दुनिया भर के रेस ट्रैक मानो उसके बड़े होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो नए कीर्तिमान रच सके। हमारा इशारा है नन्हे रेसर शाहन अली मोहसिन की तरफ, जिसे इस वर्ष DLA राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना जा रहा है। प्रसिद्ध फुटवेयर एक्सपोर्टर शाहरु अली मोहसिन के बड़े बेटे शाहन ने अपने खानदान के नाम में 4 चांद लगा दिए हैं। DPS में 6th class के स्टूडेंट शाहन का जन्म 13 जुलाई 2004 को हैदराबाद में हुआ। शाहन के जन्म के समय उसकी माँ सबीका मोहसिन अपनी माँ के पास थी। कारों के प्रति शाहन की दीवानगी महज 4 साल की उम्र में दिखने लगी थी, जब वो बाकी खेलों को छोड़ इंटरनेट पर ऑटोमोबाइल कंपनियों के नए मॉडल्स, इंजन क्षमता, स्पीड आदि को समझने में माथा पच्ची किया करता था। पिता शाहरु मोहसिन ने जब ये देखा तो उसकी छोटी सी उम्र से ही उसे खुला आसमान देने की ठान ली। रेसिंग की दुनिया के पहले पायदान पर पहुंचाने के लिए वो शाहन को जून 2012 में फन कार्टिंग कराने को हैदराबाद ले गए। पहली बार कार्ट में बैठते ही शाहन उसे रेसिंग लाइन पर दौड़ाने लगा और गजब की कंट्रोलिंग क्षमता प्रदर्शित की। इसे देखकर मौजूद लोग भी हैरान रह गए कि 8 साल का बच्चा कितने आत्मविश्वास के साथ कार्ट चलाता है। इधर पिता शाहरु मोहसिन ने भी अपनी सोच को फैसले में बदलने पर मुहर लगा दी कि वो इसे रेसिंग की दुनिया का सितारा बनाकर ही दम लेंगे। जनवरी 2013 में उन्होंने हैदराबाद में मैको रेसिंग एकेडमी के इंस्टीट्यूट में शाहन को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। इस 3 दिनी ट्रेनिंग में शाहन को ड्राइविंग टिप्स के साथ फिजिकल फिटनेस, सेफ्टी एस्पेक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस की जानकारी दी गई। इसके बाद मार्च 2013 में UAE के अल एन में रेस वे पर 3 दिन की ट्रेनिंग और कराई गई। दोनों ही जगहों पर ट्रेनर्स ने शाहन की काबिलियत को सराहा। प्रोफेशनल रेसर के रूप में शाहन ने मई 2013 में JK टायर काच ओपन हैदराबाद में हिस्सा लिया। ये रूकी यानी प्रारंभिक श्रेणी थी और रेस में दूसरा स्थान प्राप्त किया। पहली ही प्रतियोगिता में ही दूसरा स्थान मिलना बड़ी बात थी, जिसने बाप बेटे दोनों का ही हौसला बढ़ाया। जून 2013 में प्रोफेशनल वर्क के लिए JK टायर नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता का आखिरी राउंड बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में हुआ, जिसमें शाहन ने तीसरा स्थान प्राप्त कर पहली बार नेशनल पोडियम हासिल किया। इस ओवरऑल चैंपियनशिप में शाहन ने 4th स्थान हासिल किया। ये उसके मोटर स्पोर्ट्स करियर के पहले साल में बड़ी उपलब्धि रही। हौसले बुलंद थे, सफलता मिल रही थी। सन 2014 में हैदराबाद में हुई JK टायर काच ओपन में प्रोफेशनल कैटेगरी में दूसरा और नेशनल चैंपियनशिप में तीसरा स्थान शाहन ने हासिल किया। इसके बाद पिता शाहरु मोहसिन ने शाहन को एशियाई देशों के बीच होने वाले मुकाबले में ले जाने का निर्णय लिया। शाहन जून 2014 में मलेशिया में हुए टैलेंट कप इलीट स्पीड एशिया के दूसरे राउंड में पहुंचा और वहां वो 5वें स्थान पर रहा। जुलाई से अक्टूबर 2014 तक क्वालालंपुर के सेपांग इंटरनेशनल सर्किट में हुई एशियन कार्टिंग चैंपियनशिप में भी भागीदारी की। इस प्रतियोगिता के दौरान शाहन को दूसरे देशों के रेसर्स की खूबियों और कमियों को करीब से समझने का मौका मिला। जनवरी 2015 में मलेशिया के रोटेक्स एशिया रेस में शाहन 3rd स्थान पर रहा और पोडियम हासिल किया। इस मुकाबले के साथ शाहन वो पहला भारतीय रेसर बन गया जिसे एशियाई देशों के मुकाबले में पोडियम मिला। इसके बाद तो एक के बाद एक खिताब अपने नाम करने में शाहन ने कोई कसर नहीं छोड़ी।
फरवरी से सितंबर 2015 के बीच चली एशियन कार्टिंग चैंपियनशिप के 6 राउंड में शाह आलम रेसिंग सर्किट में पहला स्थान प्राप्त किया और 8 से 12 साल की आयु वर्ग की श्रेणी में रेस जीतने वाला पहला ड्राइवर बना। इसी साल जेके टायर नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप में 435 पॉइंट हासिल कर नेशनल चैंपियन का खिताब हासिल किया। इस प्रतियोगिता में शाहन को सभी आयु वर्गों के बीच बेस्ट ड्राइवर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। 2016 के आगाज के साथ ही फरवरी में कुआलालंपुर में हुई एशियन चैंपियनशिप के प्रथम राउंड में शाहन दूसरे स्थान पर रहा है। इस साल शाहन को अक्टूबर में इटली में होने जा रही वर्ल्ड चैंपियनशिप में एशिया का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सकता है यदि वो एशिया में होने वाले सभी 6 राउंड में विजय हासिल करता है। अभी तक कोई भी एशियाई ड्राइवर फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया है। इसके लिए शाहन कड़ी तैयारी कर रहा है। फिजिकली फिट रहने के लिए एक्सरसाइज, संतुलित डाइट जैसी ट्रेनिंग वो अपने पापा से ले रहा है। इस उम्र में बच्चे जहां कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट्स के लिए जान देते हैं, वहीं शाहन ने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इन सब से तौबा कर रखी है। स्पेन के मैक्लेरन टीम ने फॉर्मूला 1 ड्राइवर फर्नांडो अलोंसो को रोल मॉडल और फरारी टीम को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले शाहन का सपना भी फॉर्मूला 1 में ही कार दौड़ाने का है। अभी वो बहुत छोटा है और अगले साल से वो जूनियर कैटेगरी में हाथ आजमाएगा, लेकिन जिस तरह से उसका अब तक का रिकॉर्ड रहा है उसमें ये तो तय है कि शाहन आने वाले कल में भारतीय इतिहास में कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि जरूर जोड़ेगा। हालांकि रफ्तार का ये रोमांच बहुत जोखिम भरा भी है। एक हादसे का सामना शाहन भी कर चुका है। 2013 में जेके टायर चैंपियनशिप के वार्म अप राउंड में शाहन की कार साइड ब्लॉक से टकराई और वो हवा में 10-12 फीट उछलते हुए ट्रैक पर आ गिरा और इसके ऊपर 70 किलोग्राम वजनी कार गिरी। कंधा चोटिल भी हुआ। डॉक्टरों ने उसे अगली रेस में भाग लेने के लिए मना किया, पर फिर भी महज आधे घंटे बाद ही दोगुने जोश से ट्रैक पर आ गया और चोटिल होने के बावजूद भी फाइनल राउंड में 5वें स्थान पर रहा। जब तक वो ट्रैक पर रेस कर रहा होता है उस वक्त शाहन की दादी शहनाज मोहसिन परवरदिगार से उसकी सलामती और फतेह की दुआ मांगती हैं। इधर पिता शाहरुख मोहसिन शाहन के साथ पूरा समय दे रहे हैं। ऐसे में उनके पिता यानी शाहन के दादाजी जफर मोहसिन साहब 80 साल की उम्र में भी फैक्ट्री को संभाल रहे हैं। उन्हें अपने लाडले पोते पर फक्र है। छोटा भाई सोहान भी शाहन की तरह ही रेसर बनने के सपने बन रहा है, तो वही बहन सानिया रेसिंग के दौरान पढ़ाई को होने वाले नुकसान की भरपाई करने में पूरी मदद करती है। शाहन जिस बुलंदी को छूने के लिए बेताब है उसमें न सिर्फ उसका पूरा परिवार उसके साथ है, बल्कि शहर तथा इस शहर के वाशिंदे भी उसकी कामयाबी की दुआ करते हैं।